राजस्थान में पिछले 5 दिनों से सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक नहीं होने से मरीज बेहाल हो चले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक उन्हें उपचार नहीं मिल पा रहा। वहीं दूसरी ओर मालवीय नगर में औषधि नियंत्रण संगठन और SOG की टीम ने 50 लाख से ज्यादा की नकली दवाएं जब्त की हैं। प्रदेश के जिला अस्पतालों में चिकित्सक और मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में रेजिडेंट्स नहीं होने से मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं। उधर सेवारत चिकित्सकों की सरकार के साथ वार्ता विफल हो चुकी है। ऐसे में डेंगू और मलेरिया सहित तमाम रोगों से परेशान लोगों को उपचार नहीं मिल पा रहा। आउटडोर से लेकर ICU तक यही हाल नजर आ रहा है। वहीं अब रेस माह के तहत सभी जिलों में पुलिस चिकित्सकों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश देने लगी है। उधर सरकार वैकल्पिक इंतजामों का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। अलवर सहित कुछ जगहों पर तो शवों के पोस्टमार्टम तक में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ बयान जारी कर चुके हैं कि प्रदेश में 40% सेवारत चिकित्सक काम पर लौट आए हैं। वहीं चिकित्सा मंत्री और सेवारत चिकित्सक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने इस संबंध में वार्ता के लिए रविवार को दोपहर 2 बजे का समय तय किया है। अब उम्मीद है कि रविवार की वार्ता में सुलह का कोई रास्ता निकल पाएगा। वहीं जयपुर के मालवीय नगर में SOG और औषधि नियंत्रक संगठन की ओर से नकली और नशीली दवाओं के कारोबार पर कार्यवाही जारी है। औषधि नियंत्रण संगठन के अनुसार मालवीय नगर निवासी हरीश चंचलानी के निवास से अब तक 50 लाख की नकली दवाएं जब्त की जा चुकी हैं। वहीं 3 लाख रुपए से ज्यादा नशीली दवाएं भी जब्त की गई हैं।